हाय एवरीवन अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस माय नेम इज आज की वीडियो आप लोगों की फेवरेट होने वाली है क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना सबका फेवरेट होता है तो गाइस आज मैं करूंगी एक क्रीम पर रिव्यू जिसका नाम है नो हर्बल ब्यूटी क्रीम आप लोगों की ना बहुत बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि कोई व्हाइटनिंग क्रीम पर रिव्यू करें क्योंकि कुछ टाइम में ही आप लोगों को ईद का फंक्शन अटेंड करना होता है तो उसके लिए जाहिर सी बात है हर बंदा चाहता है कि हमारी स्किन गोरी हो जाए तो मैंने सोचा कि कुछ स्किन वाइटनिंग क्रीम्स पर जो है वो डिटेल से आपको रिव्यू दिया जाए और उनके इंग्रेडिएंट्स का जो है वो ऑपरेशन किया जाए ताकि आपको हर एक चीज डिटेल से समझ में आ जाए किन लोगों को यूज करनी चाहिए किन लोगों को यूज नहीं करनी चाहिए वो सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है तो गाइज मैं बिल्कुल एकदम ऑनेस्ट रिव्यू करने वाली हूँ कोई मैंने व्हाइटनिंग क्रीम्स वाली कंपनियों से पैसे वैसे नहीं लिए बट ये जो वीक जाने वाला है ना गाइज ये पूरा वीक कंप्लीटली मैं व्हाइटनिंग क्रीम्स पर रिव्यू करूंगी और हर क्रीम का आपको डिटेल से रिव्यू बताऊंगी अगर से आप इसको यूज कर चुके हो या करने वाले हो तो शायद आपकी फ्यूचर में हेल्प हो सकती है और काफी हद तक हो सकती है ठीक है ऐसा नहीं है कि इन क्रीम्स को यूज नहीं करना चाहिए लोग नहीं करते तो अगर नहीं यूज करना चाहिए तो अगर ये बहुत ही खराब और बेकार चीज है तो मार्केट में कभी भी निकलती ही नहीं और एक बार आप लोगों को ऑनेस्टली बता रही हूँ कभी भी मैं किसी भी वाइटनिंग क्रीम कंपनी से पैसे नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरा दिल नहीं गवारा करता कि मैं आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज के ऊपर फेक कोई रिव्यू करके बताऊं या पेट प्रमोशन करूं जिससे कि आप लोगों की स्किन का नुकसान हो क्योंकि चंद पैसों के खातिर बहुत से लोगों के साथ हम स्किन के साथ खेल नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसा करते हैं ठीक है तो बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर बात करूंगी और दूसरी बात यह कि मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर आपको डिटेल से बताऊंगी कंपनी ने इसके इंग्रेडिएंट कौन-कौन से इसके अंदर डाले हैं वो क्या काम करते हैं और उसके अंदर कितनी न, नफासत है और कितना वो आपके स्किन के लिए सूटेबल है या नहीं तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को सिंपली ये जो आ, क्रीम का बॉक्स आपको नजर आ रहा है पैकेजिंग वाइज ओवरऑल ठीक है और बहुत से लोग तो इनकी पैकेजिंग को बुराई भी करते हैं लेकिन गाइस बात की जाए प्राइस की तीन तो सौ या चार के बीच में आपको ये क्रीम मिल जाती है अगर ये आपको कंटेनर ही तीन सौ रुपए का दे देंगे तो आई थिंक फिर उनको बचेगा क्या तो ऑब्वियसली इन्होंने सस्ते से सस्ता कंटेनर ही बनाना है ताकि ये आपको एक क्रीम प्रोवाइड करे जो कि हर बंदा अफोर्ड कर सके और लिखा सके और पाकिस्तानी कंपनी जितनी भी क्रीम्स बनाती है वो इसी तरह के कंटेनर से बनाती है ताकि आप लोग इसको आ, प्राइस और परफॉर्मेंस के हिसाब से भी आपको ठीक लगे और इसका जो कंटेनर वगैरह है वो उनके बजट में भी आ जाए बहुत से लोगों के मैंने ऐसे रिव्यूज देखे इनके कंटेनर्स पे ऐसी ऐसी बुराइयां की हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूं, बट जाहिर सी बात है बजट के अंदर अगर आपको एक शॉपर के अंदर भी क्रीम मिलेगी और वो वर्क करेगी या फिर वो अच्छी होगी तो आई थिंक वो ठीक ही होगी जैसे हम होम क्रीम्स लगाते हैं ठीक है तो इसी तरीके से तो इसके कंटेनर और इसकी पैकेजिंग के हिसाब से ओवरऑल जो इसकी प्राइस है तो ठीक है मैं इसकी बुराई नहीं करूंगी ओवरऑल ग्रीन कलर काफी अट्रेक्टिव लग रहा है बाकी इन्होंने जो इनका एक्टिव इंग्रेडिएंट बताया है वो अवाका्डो ऑयल है और साथ में एलोवेरा जेल है अगर मैं दोनों इंग्रेडिएंट के बेनिफिट्स की बात करूं तो गाइज शायद, शायद, अगर आपने एलोवेरा जेल यूज किया है टू गुड होती है और अगर आपने अवकार्डो खाने में यूज किया है ना तो हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छा है ठीक है फिर भी मैं आपको नॉर्मली स्किन के हवाले से उसके बेनिफिट बता देती हूँ दोनों चीजों के अगर मैं बात करूं अवका्डो ऑयल की तो आपके स्किन के अंदर अगर इच्चीनेस होती है को खत्म करता है खराब स्किन को फटी हुई स्किन को रिपेयर करता है अगर आपकी स्किन ड्राई हो जाती है तो उसको नर्मो मिलाइम सॉफ्ट करता है एज अ मॉइस्चराइजर का काम करता है आपके स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है तो जो स्किन के ऊपर बहुत सारे निशानात वगैरह हो जाते हैं ना तो उसको भी कम करने में काफी हेल्प करता है और जो सूरज की चाएं वगैरह आपको पड़ती है स्किन प्रोडक्ट्स की वजह से डैमेज होती है तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है एवेकॉर्डो ऑयल बात करें एलोवेरा जेल के बेनिफिट्स की जो कि स्किन से रिलेटेड है तो उसके अंदर कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है आपको इतनी की प्रॉब्लम होती है तो उसको भी कम करती है क्योंकि इसके अंदर कूलिंग प्रॉपर्टीज की वजह से जलन नहीं होती है आपको दानों में या स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे आपको जो है वो हिफाजत करती है सनबर्न से आपकी प्रोटेक्शन करती है मैंने कितनी बार बोला है अगर फॉर्मुला क्रीम की वजह से आपकी स्किन खराब हो गई किसी भी रीजन की वजह से आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हो ये सनबर्न को भी मतलब कम करती है आपकी जलन को खारिश को स्किन से कम करती है ठीक है दूसरी बात यह कि आपको मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करती है ये कुदरती मॉइस्चराइजर है जिसे आप यूज कर सकते हो रेगुलरली किसी बिना साइड इफेक्ट के प्लांट वाली भी यूज कर सकते हो कंपनी की भी यूज कर सकते हो उसमें कोई भी इश्यू नहीं है ठीक है एंटी ऑक्सीडेंट होता है आ, अंदर काफी अमाउंट में मिनरल्स होते हैं और इसके अंदर आपके स्किन को हील करने के लाइक like, बूस्टर होता है कि आपके स्किन अगर बहुत ज्यादा खराब हो गई है तो अगर आप रेगुलर यूज करते हो काफी काफी जल्दी हील कर देती है ठीक है तो ये तो दो इंग्रेडिएंट हो गए जो इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट है बकायदा ये बॉक्स के ऊपर मेंशन करते हैं कि इनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ये हैं अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं तो तो बाकी के जो इंग्रीडियंट है उसके अंदर है अल्फा अब गाइस अल्फा आर्बोटिन एक ऐसा इंग्रीडियंट है जो की व्हाइटनिंग के लिए यूज किया जाता है ठीक है इसको दूसरी जबान में अगर हम बोले लाइक like इसके साथ ही जो दूसरा एक और इंग्रीडियंट निकलता है जिसे हम हाइड्रोकॉइन बोलते हैं ठीक है ठीके? वो व्हाइटनिंग के लिए होता है और इस इंग्रीडियंट के ऊपर डाउट नहीं है मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ ये व्हाइटनिंग एजेंट है जो कि केमिकल वाला होता है और अगर आप सेंसिटिव स्किन पर लगाते हो तो ये वाकई में नुकसान आपको करने वाला है ऐसी बात नहीं है कि आप टीन में लगा रहे हो आप ट्वेंटी प्लस पे लगा रहे हो ट्वेंटी प्लस पे लगाओगे आपको नुकसान नहीं होगा लेकिन अगर आप टीन पे लगाओगे ना तो टीन में कुदरती तौर पर आपके हारमोन्स चेंज होते हैं आपकी एज बढ़ती हुई एज होती है लाइक आपको हेयर ग्रोथ होना शुरू होती है तो आपके हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एक्ने पिंपल्स वगैरह निकलते हैं तो आपको लगता है कि आपने प्रोडक्ट्स ऐसे यूज किए जिसकी वजह से आपकी स्किन खराब हो गई आपकी उम्र कम थी ऐसा नहीं है आप 20 साल की उम्र के बाद जाकर स्किन व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो लेकिन स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स को मैं प्रमोट नहीं कर रही हूं लेकिन स्किन व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स का मतलब आपको बताए केमिकल्स उसके अंदर डेफिनेटली होते हैं ठीक है अब बात करें स्किन वाइटिंग इंजेक्शन की तो इंजेक्शन के अंदर दूसरी टाइप की चीजें होती हैं ठीक है वो एकदम सेफली होते हैं लेकिन उसके लिए जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है ना हम जैसे नॉर्मल बंदे नहीं कर सकते तो उसके ऊपर भी कभी डिटेल से वीडियो बनाऊंगी अगर आप चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना और जितने ज्यादा कमेंट होंगे बहुत जल्दी मैं वीडियो लेकर आऊंगी ठीक है तो यहाँ पर जो सबसे मेन इंग्रीडियंट है वो अल्फा आबुटेन है जो कि मुनासबत या कुछ भी जो उर्दू में बोलते हैं काफी मुश्किल लफ्ज है बट उसके ही लाइक कंपेरिजन का जो इंग्रीडियंट है वो हाइड्रोकॉइन है तो उसके जैसा ही होता है और स्किन वाइटनिंग के लिए इसी को यूज किया गया है जिससे आपका कलर इन

ये उसको कंट्रोल करता है उसको कम करता है उसकी तादाद को कम करता है और स्किन को फेयर टून की तरफ लेकर जाता है पिगमेंटेशन और स्पॉट्स वगैरह हो जाते हैं तो उसको भी कम करता है अल्फा आर्बोटिन जो कि दूसरी जबान में भी आपको मैंने बता दिया है है ठीक अब इन्होंने अगला इंग्रेडिएंट जो उसके अंदर एड किया है वो है एम्ब एम्बली फ्रूट एक्सट्रैक्ट अच्छा फ्रूट एक्सट्रेक्ट की बात की जाए तो गई सी जड़ी बूटियां होती है ठीक है जड़ी बूटियों के बगैर आप क्रीम्स को लाइक बनाया ही नहीं जाता है कुछ ना कुछ ऐसे एक्सट्रेक्ट डाले जाते हैं जिससे कि आप ऐसा समझ सकते हो उसके अंदर कोई खुशबू रहे या कोई ऐसी चीज रहे इंग्रेडिएंट्स को इंग्रेडिएंट्स के थ्रू मिलाकर एक फॉर्मूला तैयार किया जाता है जिससे इंग्रेडिएंट सेफ भी रहे कुछ इंग्रेडिएंट ये लोग ऐसे भी यूज करते हैं कि क्रीम को अच्छे से मिक्स किया जाए उसकी कंसिस्टेंसी लाई जाए कुछ स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं जाहिर सी बात है स्टोर करने के लिए जो चीज़ ये लोग यूज करते हैं वो भी केमिकल्स ही होते हैं ताकि आप एक क्रीम को लॉन्ग लास्टिंग तक यूज कर सको आप घर में कोई भी क्रीम रेडी करते हो पांच से सात दिन से ज्यादा आप नहीं रख सकते हो क्योंकि वो खराब हो जाती है बट कंपनी आपको ऐसा फॉर्मूला तैयार करके देती है कि आप उसको आराम से दो ढाई साल आराम से यूज कर सकते हो ठीक है तो दूसरा मैंने आपको बता दिया है कि जड़ी बूटियां इसलिए यूज की जाती हैं ताकि आपकी स्किन के अंदर वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसको भी कंट्रोल करे अगर आप कोई केमिकल लगा रहे हो, तो उसका उसके कम हो जाए तो अगला इंग्रीडियंट की तो गायटामिन के जिक्र किया तो वाइटामिन काफी सारे एड किए जिसके अंदर वाइटामिन ए है वाइटामिन बी है वाइटामिन सी है वाइटामिन डी सिक्स है अच्छा वाइटामिन जितने भी होते हैं ना स्किन के लिए टू गुड होते हैं कुछ मॉइस्चराइजर का काम करते हैं कुछ आपके स्किन को

जुर्बों से हमारी स्किन खराब हो जाती है और स्किन के मामले में हर इंसान को अपनी केयर करनी चाहिए किसी के भी कहने के ऊपर कोई भी चीज यूज नहीं करनी चाहिए अगर आप कोई चीज यूज करना चाहते हो तो पहले अपनी स्किन के ऊपर पैच टेस्ट कर लो कान के पीछे कर लिया करो कान के पीछे की जो स्किन होती है ना वो फेस से बिल्कुल करीब करीब होती है तो आप वहां पर कुछ घंटे के लिए लाइक चौबीस घंटे के लिए थोड़ी सी क्रीम अमाउंट में लगा कर कर दो और उसके बाद सो जाओ ओवर के लिए सुबह में अगर आपको लगता है कोई इंचीनेस नहीं हो रही है रेडनेस नहीं हो रही तो फिर वो क्रीम आपके स्किन के ऊपर जाने वाली है लेकिन आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है क्स्ट्रा जो है वो सेंसिटिव है तो आप बिल्कुल भी वाइट, लाइक वाइटनिंग क्रीम को अपने लिए बिल्कुल चूस मत करना, आ, ये था आज का रिव्यूल और और की, की महंगी हो गई है तो पाकिस्तान में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो उसका तो मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ ठीक है तो जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो जानते होंगे और दूसरी बात मैंने आपको बता दी है और कोशिश किया करें कि ओरिजिनल क्रीम यूज करें 20 ग्राम की क्रीम होती है उसके अंदर ओवरऑल यूज करने का तरीका सिंपल है कोई भी माइल्ड फेस या सोप से अपना फेस वॉश कर सकते हो सोप ड्राई स्किन वाले, वाले में। में इंग्रीडियंट पे डाउट नहीं था जो इंग्रीडियंट के डिटेल दी थी और डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी अल्फा एबुटीन एक ऐसा इंग्रेडियंट है जो कि एक्टिव केमिकल इंग्रीडियंट है जो व्हाइटनिंग आपको प्रोवाइड करता है अगर ये इसके अंदर नहीं होता तो ये स्किन व्हाइटनिंग क्रीम भी नहीं होती ठीक है तो ये थी आज की वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगे तो लाइक कर देना और इसी तरह के रिव्यूज आने वाले हैं बहुत सारी क्रीम्स के पाकिस्तानी क्रीम्स के ऊपर रिव्यूज करके आप लोगों को बताऊंगी ये पूरा वीक उसी पे जाने वाला है तो गाइस मिस मत कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेलेकन को प्रेस कर लीजिएगा और रेगुलर वीडियोज आने वाली है तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा अपना ख्याल रखिएगा एक लाइक जरूर कर दीजिएगा मेहनत के लिए अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में